देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं देख रहा था देहरादून ऋषिकेश से ट्रेन की सुविधा श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक, कोई सोचता था? पहाड़ के लिए तो कनेक्टिविटी सबसे कठिन था, कितना कठिन था। हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते थे, केदारनाथ जी के लिए जाते थे, 12-12 घंटे लगते थे। आज तो हेलीकॉप्टर की सुविधा आधे घंटे के अंदर आपको बद्रीनाथ पहुंचा देगा, केदारनाथ धाम पहुंचा देगा। केदारनाथ धाम फिर से अपने उस वैभव को प्राप्त कर चुका है जो 2013 के पहले था। क्या कर दिया था कांग्रेस ने, कहां पहुंचा दिया था? और पहाड़ में, क्योंकि मेरा तो बचपन ही यहां गुजरा है, 2-3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था हमें पानी के लिए, और तब फिर बाल्टी में या किसी अन्य उसमें पानी भर भर करके लाना पड़ता था। आज तो हर घर नल की योजना प्रारंभ हो चुकी है और लगभग पूरी होने के स्तर पर है। ईंधन के लिए लकड़ी बीनना पड़ता था क्योंकि कांग्रेस के लोग तो केरोसिन भी नहीं दे पाते थे। आज हर घर को रसोई गैस के सिलेंडर दे दिए गए। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड ने चार धाम यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की हैं, आज विकास की जिस धारा के साथ जुड़ा है, और जो भी चीज आई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वह परिवर्तन करके रख दिया, परिवर्तन किस रूप में करके रखा, आज आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा है, प्रौद्योगिकी के अच्छे संस्थान स्थापित हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT बन रही है, IIM बन रहे हैं, IIIT बन रही है, NIT बन रही है। ये पहले कल्पना थी लेकिन आज साकार हो रहा है। कांग्रेस ने 60 वर्ष में एक एम्स दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे अटल जी के समय 6 एम्स बने और मोदी जी के समय 15 एम्स बन रहे हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की आप देख सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देख सकते हैं। और गरीब कल्याण की तो बात ही क्या, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, भ्रष्टाचार को रोकने की प्रभावी उपाय DBT, 50 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहन और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को आवास, और आज के संकल्प पत्र में कहा गया कि 3 करोड़ और को देंगे। अभी आज ही के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बिजली 2.5 करोड़ घरों तक पहुंचा दी गई। ये गरीब कल्याण की योजनाएं कांग्रेस करती नहीं थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया।